नमस्ते, मैं किरण लोडोनी आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। तो मैं बना रही हूँ गहत का गथवाणी। तो ये हमारे जो देखिए ये पहाड़ी गहत है, ये ऐसे वाले गहत जो है पहाड़ों में होते हैं और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो इनको मैंने जो है 4-5 घंटे पहले गर्म पानी में अच्छे तरह से भिगाने के लिए रख दिए थे। इस तरह से ये देखिए ये अच्छे से भीग गए हैं। तो मैंने ये अपने परिवार के हिसाब से ले रखे हैं। 1 कप गहत मैंने भिगा दिए थे और ये फूल के ऐसे हो गए हैं, ठीक है, अच्छे से भीग गए हैं ना, तो इसलिए जो है ऐसे फूल गए हैं। तो आप भी अपने परिवार के अनुसार ले सकते हैं और उसी हिसाब से भिगाने रख सकते हैं। जैसे कि मतलब जो है 4-5 घंटे पहले भिगाने के लिए रख देना चाहिए इनको, ताकि ये अच्छे से भीग जाए। तो अब मैं इन्हें उबालूँगी, इनको रखूँगा प्रेशर पर। तो मैंने ये पहले ही धो दिए थे, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। देखिए मैं कितना पानी डालती हूँ। तो मैंने इसमें पहले 3 गिलास पानी डाल दिए हैं और अब इसमें मैं डालूंगी सिर्फ नमक। एक चम्मच मैंने छोटी चम्मच से नमक डाल दिया है और इसमें ढक्कन लगाऊंगी और पहले इसमें सिटी दिलवाऊं। मैंने जो है इसमें सिर्फ 4 विसल्स दिलाई हैं, यानी कि 4 सिटी दिलवाई हैं। तो इसे आप खोल देते हैं। अब देखिए ये गहत जो है गल गए हैं, ये देखिए इस तरह से सारे अच्छे तरह से गल गए हैं, ठीक है। और अब इन्हें हम छौंकेंगे। तो पहले इसके लिए बनाएंगे हम मसाला। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। और इसे होने देते हैं गरम। तेल हो गया है गरम और इसमें मैं सबसे पहले चटका लूँगी जीरा। 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया, इसको चटका लेंगे। इसमें साथ में डाल लूँगी मैं फ्रण। फ्रण भी इस तरह से होता है, ऐसा। ये भी पहाड़ों में मिलता है। अगर आप इसमें लहसुन प्याज भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और अब मैंने जो है रखे हैं ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब थोड़ी देर तक टमाटर को अच्छे से भून लेंगे हम। और अब टमाटर भी भून चुक गए हैं। तो इसमें डाल लेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से डालें, जितना तीखा आपको पसंद है। और नमक, नमक भी अपने ही स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि नमक हमने थोड़ा पहले भी डाल रखा है। और जीरा पाउडर, और इनको भी आप भुनने देंगे टमाटर के साथ। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनको भी अच्छे से भुनने देंगे। तो अब मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं और अब हमने जो गहत उबाल रखे हैं उसको इसमें डाल। तो ये सारे गहत मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी में और डालूंगी, ताकि इसका सूप या तरी और बढ़े, एकदम ज़्यादा नहीं। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा कसूरी मेथी। और अब थोड़ी देर तक मैं इसे उबलने दूंगी। देखिए उबल गया है, क्योंकि मैंने मसालों के साथ थोड़ी देर तक उबाला है ये। और ये कितना प्यारा साग बन गया है गथवाणी हमारा। और इसमें अब मैं डाल दूंगी, ये तो बन चुका है, इसमें डाल दूंगी मैं हरा धनिया कटा हुआ। इसका तो बहुत ही गजब का स्वाद आता है इसमें। ये
बस अभी गथवाणी तो हो गया है तैयार और इसे मैं अब सर्व करूँगी भात के साथ। गथवाणी और साथ में मैंने बना दिया है भात, तो मैं इसे फटाफट से सर्व कर लूँगी। ये बन गया है गथवाणी और भात, साथ में मैंने मूली का सलाद भी कट कर रखा है और हरी मिर्च, साथ में मैंने ले रखा है गोभी का अचार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।